तकरीबन कोई 7 साल हो गए जी इस रोड की हालत है बड़ी गै खराब हो दी। लेकिन इस वेले जड़ा इतना घोड़ा खच्चर भी कड़ना होया तो वह भी मुश्किल हो जाता और गड्डिया चलना दे एक नामुमकिन है इस सड़कें पर। जियां साढ़े नायब तहसीलदार हो रहे उन्हें जी इनकी पुलिस फोर्स आई थी उन्हें आख्या कि इस सड़क पर कोई भी गड्डी नहीं चलनी चाहिए क्योंकि ये गड्डी रोड जी अनसेफ हो चुकी और साड़ी प्रशासन के अगे डिमांड है कि अगर ये 30 बरे हुई इस सड़क ही बने तो 30 साल बाद स्टे कियां लगी है ये पर रेवन्यू डिपार्टमेंट ने कियां नकल दे उड़िया कि ये खुंबे न सड़क नहीं है। अगर इन्हें रेवन्यू वाले लिखियै दिता कि इतने खुंबे न ढिडा जाइए गए स्टे लग्या अगर उन्हें लिखा होंगे कि इतने सड़क बनी 30 सालें तो मिकी नहीं लगता तो इतने स्टे लगता हा। इत गल साड़ी सारे अगर डीसी मैडम के अगे भी गुजारिश है कि जिन्ना चेर तक इस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ अगड़ी भी सड़क बनी दी पिंजड़ी भी बनी दी ये बिच कोका खजाना दब्बा हा इतने केड़ा कोई ऐसी फसल होंगी ही जी हिंदुस्तान के कुसै कोने च नहीं होंगी और इस पोर्शन की जगह बंद करूड़ा और ये पर रोज़ हादसा हुआ था कदें कोई 207 पे दी कदें कोई मैटाडोर रुलकी पिछले दिनें मैटाडोर रुलकी एक मुड़े बांह कटोई कुसै मनके बजी दे कुसा सिर बट्टा कोई मरी दा। इत गल मेरी गुजारिश यह है कि जल्दी कोला जल्दी इस सड़क का काम शुरू होना चाहिए और जिन्ना चेर तक सड़क का काम नहीं लग्या तो अस पुलैर बैठे इतने असें लोगों इतना उठना नहीं है सारे ही मंजूर है भाई सारे सड़के जिन्हें भी लोग साढ़े हैं सब सड़क ही बहुत ना इन्हें 2 दिन का असं टाइम दिता डिपार्टमेंट ने कि 2 दिन च काम लगी जाग तो 2 दिन अस इतने गए ने 2 दिन बाद जल्द काम लगता तो अस भी उठी अपने अपने घर जाके उठी और असें भी खुशी होग कि अज साढ़े बच्चे माता भैन जो सेफ हुई है उनकी जिंदगी जी है सेफ हुई अज कोई भी हादसा कुछ हल्ले भी इतने हो सकता उपर गड्डिया तो दिखिया होनी किस तरीके गड्डिया पुठिया हो दियाँ महिंद्रा पुठी हुई थी एक मैटाडोर एक थल्ले डडले फसी अद्धी हारी जाई रही और ओदे साड़िया बच्चिया कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। परीक्षित जी जहाँ अवेलेबल हैं हम दोनों जहाँ आए थे इस रोड के बारे में जब हमने शुरुआत की थी एज ए DDC तो जहाँ हमें पता चला कि बहुत पुरानी रोड है ये लेकिन पिछले 2 साल से कई लोगों ने यहाँ लोकल लोग हमारे स्टे लिया है हमने उन लोगों के साथ बातचीत की अप्रोच भी की कि भैया आपने स्टे लिया है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सड़कों का जो काम है आपकी स्टे की वजह से रुक रहा है तो लोगों के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें हमने डिसीजन लिया था कि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इसके बाद मैंने एज ए DDC इंदु कमल मैडम DC को जहाँ बुलाया उसके साथ एक आर्डर निकाला था एक कमेटी बनी थी उस कमेटी में तहसीलदार रामनगर नायब तहसीलदार उनका सपोर्टिंग स्टाफ जिसे मैं कहूँगा गिरधावर पटवारी और कंसर्न बढ़ाया वाकायदा जहाँ आके मौके पे आके इस एरिया का मुआयना किया कि किस किस की ज़मीन इसमें आती है और कितनी कितनी ज़मीन आती है एक फ़ाइल तैयार कर ली। फाइल तैयार करने के बाद मैं यहाँ पर्सनली आया तो जो लोग जिन्होंने स्टे लिया है
मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कपूर सिंह जी वगैरह वगैरह, उनसे मेरी बात हो गई। उन्होंने कहा सर आप काम लगा दो, हमारी फाइल अब बन गई है, तो अब चूंकि कंपनसेशन ना मेरे जेब में है जब ना मैडम के जेब में है, कंपनसेशन तो मिल जाएगा बाद में, लेकिन रोड की हालत देखते हुए कि काम लगवाना ये बड़ा अनिवार्य है, तो मैंने काम लगवा दिया। लेकिन तीसरे दिन मुझे SHO का फ़ोन आता है रामनगर से कि भाई काम बंद करवाने की मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है। मैंने कहा कौन है? वही लोग हैं, देवराय पंती जी आए हैं साथ, कपूर सिंह जी उनके साथ हैं और दो लोग और हैं। तो मैंने कहा भाई अगर कोर्ट का डिसीजन है तो कोर्ट से हम बड़े थोड़ी हैं, अगर कोर्ट ऐसा कहती है तो बंद कर दो। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है ये कोई एक चुनौता की रोड नहीं है, ये मेन रोड है। यहाँ से लेके मेरे ख्याल में 60 से लेके 70 हज़ार तक की जो आबादी है लोगों की वो डिपेंड करती है, ये मेन रोड बनी है। यहाँ से लेके रामनगर, गोडी, चौकी, कड़वाल तक की बसें जहाँ से जाती हैं, छोटी मोटी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मेटाडोर यूनियन ने कोई मेरे ख्याल में ये जो बंद की ये कॉल दी है, तो आज की डेट में इसकी जो हालत है ना, इसमें ठीक बात है कि चलना आदमी के बस का भी नहीं है। ये तो वो बन गया है कि यहाँ कभी भी कोई भी छोटी हैपनिंग तो हो रही है, मोटी हैपनिंग भी हो सकती है। इसलिए ऐसा ना हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट का काम था अगर कहीं किसी कोई ज़मीन का कंपनसेशन बनता है, कोई हर्डल आ रही है, तो उसको या तो स्टे को वकेट कराना या कंपनसेशन देना, दोनों चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट अभी तक ना तो कंपनसेशन दे पाया है ना स्टे वकेट। तहसीलदार चुनून था, तो इस रोड के लिए PM JS बालू ने हमसे बात की थी कि हमें इनके इस रोड के कागज़ बना दीजिए, हमने इसकी बाइंडिंग करनी है। तो हमने इसके कागज़ इनको 4-5 महीने पूरा प्रशासन लगा के बना के दे दिए थे, और इन्होंने कहा कि हम जल्दी पैसे लोगों को कर देंगे और इस रोड को जल्दी से जल्दी हम बना देंगे, और पैसे भी हमारे, उन्होंने बोला था हमारे पास पैसे हैं और हम लोगों को पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे सेंक्शन नहीं किए हैं और ना ही इन लोगों को अभी पैसे मिले हैं। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि इस रोड को, जो जितना रोड पहले का बना हुआ है, इसको वाइडनिंग करें और इस रोड को जल्दी से जल्दी खोल दें। है और मैं ये यहाँ चुनूनता से हूँ। ये जो आप रोड की कंडीशन आज देख रहे हैं, इसकी रोड की कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इसके बारे में हमने कई बार डिपार्टमेंट को बोला, यहाँ तक जो भी हमारे यहाँ कंसर्निंग डिपार्टमेंट थे उनको सबको बताया हुआ है। रोड की इतनी बुरी हालत ख़राब हो गई है कि आज मेट्रो वालों ने खुद मेट्रोरे रोक दिए हैं। उनका कहना ये है कि कल को अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है उसके जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप रोड की देख सकते हैं सर, ये रोड कोल्डी, चुनूनता, पंचग्राई, नगरोटा, हांसा और ये रामनगर तक को ये रोड जाते हैं, और आज इस रोड की आप कंडीशन देखिए कि इस रोड पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे आके इस रोड को करते नहीं है ठीक ठाक। और ये सर रोड की हमें इतनी ज़रूरत है, कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, बट सर वो भी फैसिलिटी थोड़ी बहुत जो उनके पास होती है वो प्रोवाइड करते हैं, बट इन फ्यूचर किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए और भी कोई डिलीवरी केस हमारे यहाँ पे बड़े ज़्यादा, तो उनको शिफ्ट हमने उधमपुर करना पड़ता है, और हमें ये उम्मीद नहीं होती है कि हम उन पेशेंट को उधमपुर पहुँचा सकें। इस रोड की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है और यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि सर कोई बड़ा हादसा होना चाहे, ये सब गांव के लोग हैं, सुबह दहाड़ी लगाने उधमपुर जाते हैं, इनको शाम को ये पता नहीं होता है कि शाम की रोटी ये अपने बच्चों के साथ बैठ के खा सकें। मैं DC मैम से अपील करता हूँ कि मैम ऑफिस में बैठने और AC की हवा खाने से लोगों के मसले हल नहीं होते। आप रोड पर आइए, हमारे मसले सुनिए, हमारे दुख देखिए, उसके बाद बताइए। अगर आपको लगता है ये रोड चलने के काबिल है, आपको एक हम ट्रायल देंगे, हम आपको एक मेट्रोर में बिठाएंगे, आप सारे डिपार्टमेंट के DC मैम, SSP उधमपुर और जो रामनगर के कंसर्न जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको बिठाएंगे। अगर उनको ये रोड सेफ लगता है तो हम ये प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, अदरवाइज जब तक ये रोड का काम नहीं लगेगा ये प्रोटेस्ट बिल्कुल चालू रहेगा। और मैं अपील करता हूँ DC मैम से कि अब हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, हमें मालूम है कि आप लोग निकम्मे हो और आप लोग बिल्कुल निकम्मे हो चुके हैं, इसलिए हमें रोडों पे आना पड़ा। लोगों को भाषण देना बंद कीजिए कि हम लोगों के लिए इतना काम करते हैं। ये भाषण सिर्फ आप कैमरे में दे सकते हैं, ऑन रोड आपका ये कारनामा आप सब देख रहे हैं आज, इसलिए मेरी अपील है DC मैम से कल।